नमस्ते, मेरा नाम रवनीत सिंह है और मैं इको सिखा प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और आप सबको बहुत बधाई है कि जवाहर नवोदय विद्यालय धनगदरा में आप आज गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट, जो कि गुजरात का प्रथम सेक्रेड फॉरेस्ट लगा है, और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ करीब 50 डिफरेंट स्पीशीज़ के पेड़ यहाँ झाड़ लगाए जा रहे हैं। हितेश जी हमारे साथी हैं, यहाँ पे 550 से 600 वृक्षों का ये पवित्र जंगल जो आज बन रहा है, इसमें आम है, मेहंदी है, कचनार के बूटे हैं, अनार है, पीलू है, जाल है, और बहुत सारे यहाँ के प्राकृतिक मूल्य स्पीशीज़ जो हैं उनका ये मियावाकी मेथोडोलॉजी से जंगल लगाया जा रहा है। सभी कम्युनिटीज़ को ये बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी का 550वां जो प्रकाश पूर्व इस साल दुनिया भर में मनाया जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पवित्र जंगल गुजरात का पहला यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है। मैडम हरमीत कौर जी ने ये सारा जंगल का स्पॉन्सरशिप दिया है, और जो हमारे साथ ऑफिसर्स हैं इकोसिक के और बाहर की सभी टीमों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, खास करके एनसीसी कैडेट्स जो इस विद्यालय से हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं और विनती करते हैं कि गुजरात में कहीं भी आपको ये जंगल लगाना है तो हमारे साथ संपर्क कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम रवनीत सिंह है और मैं इकोसिक का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और आप सबको बहुत बधाई है कि जवाहर नवोदय विद्यालय धनगदरा में आप आज गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट, जो कि गुजरात का प्रथम सेक्रेड फॉरेस्ट लगा है, और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ करीब 50 डिफरेंट स्पीशीज़ के पेड़ यहाँ झाड़ लगाए जा रहे हैं। हितेश जी हमारे साथी हैं, यहाँ पे 550 से 600 वृक्षों का ये पवित्र जंगल जो आज बन रहा है, इसमें आम है, मेहंदी है, कचनार के बूटे हैं, अनार है, पीलू है, जाल है, और बहुत सारे यहाँ के प्राकृतिक मूल्य स्पीशीज़ जो हैं उनका ये मियावाकी मेथोडोलॉजी से जंगल लगाया जा रहा है। सभी कम्युनिटीज़ को ये बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी का 550वां जो प्रकाश पूर्व इस साल दुनिया भर में मनाया जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पवित्र जंगल गुजरात का पहला यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है। मैडम हरमीत कौर जी ने ये सारा जंगल का स्पॉन्सरशिप दिया है, और जो हमारे साथ ऑफिसर्स हैं इकोसिक के और बाहर की सभी टीमों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, खास करके एनसीसी कैडेट्स जो इस विद्यालय से हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं और विनती करते हैं कि गुजरात में कहीं भी आपको ये जंगल लगाना है तो हमारे साथ संपर्क कीजिए।